हेलो फ्रेंडा, कैसे हो आप सब? आज मैं आप इसी से तो पता चल गया होगा मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वायरल स्टार शिवानी कुमारी ऑफिशियली के बारे में। शिवानी कुमारी कौन था और ये कितना पॉपुलर हुआ है और किस तरीके से उसका जर्नी हुआ है, कितना गरीबी से उठ के इतना बड़ा स्टार बना है, उसी के बारे में पूरा मैं बताने जा रहा हूँ। आप भी, आपके भी घर में अगर माँ हैं, बहनें हैं या कोई भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं, ये वीडियो पूरा देख के स्टार बना सकते हैं। किस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुआ था और किस तरीके से एंडिंग हुआ है और किस तरीके से अभी तक जा रहा है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। आपके मन में ये होगा कौन है शिवानी कुमारी, आज वही मैं पूरा विस्तार से मैं बताने जा रहा हूँ। यूपी के रहने वाला अररिया जिला का एक लड़की जो गरीबी में जिया हो और आज यूट्यूब पे स्टार हो, आज उसके पास क्या ना हो, चार चक्का हो, अपना घर बना रहा हो, अच्छा करियर हो, 5-10 लाख का मंथली कमाने वाला हो, किस तरीके से बना है और जो एक टाइम में खाने पे भी दिक्कत कर रहा हो, खाने अच्छे से मिल नहीं रहा हो, और वो से लेके ये जर्नी तक किस मुकाम तक पहुंचा है, वही इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। पूरा देखिएगा और आप भी इस तरीके के यूट्यूबर हो सकते हैं। बहुत सारे मेंबर को ये पता नहीं रहता है किस तरीके से ग्रो करें और किस तरीके से बड़ा स्टार बने। आप भी स्टार बन सकते हैं, सिर्फ जुनून होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, इनका जन्म 2000 ईस्वी में हुआ है, अभी 23-24 साल का हुआ है। 23-24 साल में इतना बड़ा स्टार बन सकता है तो भाई आप भी क्यों नहीं बन सकते हैं, यही चीज आज मैं पूरा डिस्कस करने वाले हूँ वीडियो में। आपको भी यूट्यूबर बनना है, 5-10 लाख का मंथली कमाना है तो भाई कुछ तो सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। ऐसे नहीं है जो आप भी स्टार इंस्टेंट बन जाइएगा, वो भी इंस्टेंट नहीं बना है स्टार, बहुत मेहनत किया है। मैं उसको पूरा विवरण बता देता हूँ। 3 बहन है, ये चौथी मतलब 4 बहन में ये सबसे लास्ट वाली है। आप आश्चर्य होंगे, जब इनकी जन्म हुई थी ना, इन सब के माँ सोच रहे थे एक लड़का जन्म हो, जब बेटी जन्म हुई ना उनकी माँ डिप्रेशन में चले गए, भाई क्या हमारे खानदान की कोई चिराग नहीं है, हमारे खानदान का क्या होगा, हमारे पॉपुलरिटी क्या होंगे, खाने की क्या होंगे, हमारे देखभाल कौन करेंगे। उसकी माँ नर्स थे लेकिन तबीयत बहुत डाउन हुआ करते थे। लेकिन देखिए किस्मत जो है ना, बोलते हैं ऊपर वाला लिखता है। जो जब ये 1 साल के था इनके पापा का देहांत हो गया, आप सोच रहे होंगे 1 साल बच्चा का जब पापा नहीं रहे तो क्या से क्या हो सकते हैं, भाई इसकी जर्नी बहुत दुखदायी हो सकता है, और वही हुआ। उनको खाने के भी लाले बोल सकते हैं, पड़े हुए होंगे, भाई इतनी गरीबी में कैसे बंदा इतना बड़ा स्टार बन सकता है। भाई कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, जो अगर कोई जानना चाहे ना जो स्टार कैसे बनना चाहते हैं, अगर कोई बड़े फिल्म हो या कुछ अलग तरीके से बनाना चाहे तो शिवानी कुमारी पे बना सकता है। भाई इतना बड़ा चीज अचीवमेंट कैसे प्राप्त किया जाता है, इस बंदे से सीख सकता है, इस लड़की से सीख सकता है जो किस तरीके से स्टार बना जा सकता है। आप सोच सकते हैं किस तरीके से गरीबी में बिता, उनके खाने के लिए भी कभी कभी नहीं होते थे, इस तरीके से गरीबी में जिया है। अब उनके 3 बहन की शादी हो चुकी है, इसकी शादी नहीं हुई है, हो सकती है बहुत जल्द इनके भी हो जाए, अभी इनका घर बन रहा है। लेकिन पूरा विस्तार से बताऊंगा क्या क्या हुआ है और इनके साथ क्या क्या हुआ था और ये किस तरीके से जर्नी स्टार्ट किए थे। जब देखिए इन्होंने ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट किया तब इनके एक टीचर ने बोला पैसे किए चाहिए, तो कुछ महीनों तक किए, अनाकानी करने लगे तो थोड़ा लिमिटेड पैसे हो गए, तो उन्होंने माँ ने कहीं से जुगाड़ करके पैसे दिए। उन्होंने क्या किया, ट्यूशन फीस ना देके उन्होंने एक मोबाइल ले लिया और मोबाइल पे जो है ना वो टिकटॉक उस टाइम बहुत फेमस हुआ करता था, वो बनाना स्टार्ट किया वीडियो। आप सोच सकते हैं, एक बोलते हैं ना ऊपर वाला जो है ना आपके जन्म के साथ लिख के दे देता है जो भाई आप स्टार हो, आपकी जर्नी क्या होगी, ये कोई सोच सकता है था क्या? जिसके घर में खाने के लिए ना हो, पैसे लाले पड़े हो, उसके दिमाग में ये चल रहा हो जो मुझे टिकटॉक बनाना है, वीडियो बनाना है, मोबाइल बनाना है। और वो उस टाइम की बात बोल रहा हूँ जो आज से 4-5 साल पहले गांव घर में मोबाइल होना ही बड़ी बात होती थी, और खासकर लड़की को तो भाई बहुत, और किसी को अगर अच्छा से मिल भी गया ना तो सोशल मीडिया पर फोटो तो दूर दूर तक किसी को मिलता नहीं था। उस टाइम ये सोच आना जो भाई अब इससे पैसा कमा सकते हैं, इससे फेम कमा सकते हैं, भाई ऐसे सोच को सल्यूट करते हैं। अब यहाँ पे चलिए देखिए, उन्होंने ये चीज किया, अब टिकटॉक पे बनाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे गांव वाले ने जाके हेट स्टार्ट कर दी। हेट क्या बोलते हैं उसको, गलत नजरिया से पेश करने। अब इनके फैमिली को, माँ को बोल रहे थे आपकी बेटी गलत जगह पे जा रहा है, हमारा बच्चा जो है
गलत प्रभाव में जाएगा, जिसे हमारा संस्कार नष्ट हो जाएगा, हमारे गांव की जो है रीति रिवाज खराब हो जाएंगे। उनको क्या पता था जो गांव वाले का नाम भी इसी के साथ होगा, लेकिन स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं रहता है। तो हुआ क्या, बहुत सारे अति किए, उनके माँ भी मोबाइल छीन लिया, बहुत सारे लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया। जब मोबाइल छीन लिया तो एक दिन इनकी माँ ने मोबाइल दिया कहीं बाजार जाने के लिए, तो ये क्या किया, फ्रेंड के साथ चले गए घूमने के लिए। वहाँ पे एक टिकटॉक वीडियो बना दी फ्रेंड के साथ, और उन्होंने बोलने की तरीका अलग कर दी। उन्होंने क्या बोला, हेलो फ्रेंड की नहीं, हेलो फ्रेंडा, हेलो फ्रेंडा, आप सब कैसे हो, और वो वायरल हो गई, लगभग 20 मिलियन तक व्यू चले गए। अब सोचिए जो नॉर्मल मेंबर 20 मिलियन तक चला गया, और इनको लगा भाई ऐसे मजाक वाला कौन वीडियो देखता है, ये आके छोड़ दिए। कुछ दिनों के बाद इनके घर पे सेल्फी के लिए फोटो के लिए टांगड़ा आना स्टार्ट हो गया। फिर ये सब डर गए, भाई क्या हो गया, हमारे घर पे इतने बड़े बड़े लोग कैसे आने लगे। तब इनको बताया गया, भाई वो आपकी वीडियो वायरल हो गई, आप फेमस हो चुके हैं, वहाँ के स्टार हो चुके हो, बहुत सारे गिफ्ट भी ले के आके देने लगे। लेकिन बोलते हैं ना, किस्मत कुछ और ही लिखा होता है। आप सोच सकते हैं, जिसके लिए हर कोई मना कर रहा था उसी से फेमस हुए। और क्या बोलते हैं, जर्नी कहीं पे भी चेंज हो सकते हैं, ये चीज दर्शाता है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने टिकटॉक पे इतना फेमस हो गए जितना सोच भी नहीं सकते थे। उसके इलाका का जो भी चीज़ है फेमस, नंबर वन स्टार बन चुका था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ, उसी टाइम गवर्नमेंट ने साइबर सिक्योरिटी के चलते कुछ एप्लीकेशन बंद किया, जिसमें से एक नाम टिकटॉक का भी था, और टिकटॉक एकाएक बंद हो गए। अब शिवानी की जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे भी आके धाम से गिर गई। अब सोचो, जो खाने के लांदे बने हो वो स्टार बना और फिर जमीन पे आगे गिरा, कितना डिप्रेशन में गया होगा। लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी। फिर कुछ लोग जाके बोलते हैं ना, फरिश्ता किसी न किसी रूप में भेज ही देते हैं, उसमें से शायद एक नाम अभिषेक सर हैं, एक और भी कोई है, जिन्होंने जाके बोला कुछ ब्लॉग बनाओ, आप फेमस हो चुके हो, यूट्यूब पे भी वीडियो डालो, वहाँ पे अच्छे खासे अर्निंग होंगे। इनके माँ सब तैयार हुआ, बहुत मनाने के बाद इन्होंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो पॉपुलरिटी था ही, लेकिन वीडियो उतना चलते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे रनिंग पकड़ना स्टार्ट किया, और आज के टाइम में वो यूट्यूब स्टार है। भाई आज के टाइम में वो इतना बड़ा स्टार है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। फीमेल क्रिएटर यूट्यूब के तरफ से बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। यूट्यूब का कोई ऐसा अवार्ड नहीं फीमेल क्रिएटर में जो उनको मिले नहीं हो, अमेजिंग स्टार हो, वायरल स्टार हो, या बहुत सारे आज उसके एरिया में जो भी स्टार की बात होता है, पहला नाम शिवानी कुमारी के आते हैं। वही जर्नी था जब गांव वाले बोलते थे, इनके परिवेश से, इनके चाल चलन से हमारे समाज की गंदगी फैल जाएगी, हमारी लड़की इनके तरह ना बन जाए। लेकिन आज के टाइम क्या है, सबसे बड़ा स्टार हो चुकी है, और दूसरी हर कोई चाहती है हमारी बेटी शिवानी कुमारी ऑफिशियली जैसे बने, शिवानी की तरह बने। ऐसा क्यों, ये जर्नी होता है सीखने वाला। और देखिए, ये ऐसा ही नहीं है, आप देख रहे हैं शाहरुख खान हो, बड़े बड़े स्टार हो, सबके साथ आज उनके फोटो आ चुके हैं, असरानी सर के साथ आ चुके हैं, बहुत जल्द हो सकते हैं तो बॉलीवुड में भी इनको चांस मिल सकता है, जैसे सुनने को आया है। आप सोच सकते हैं इस तरीके से स्टार्डम। इसलिए मैं हमेशा एक वीडियो बनाया था जो बहुत अच्छा वायरल भी गया था, बेटी हो तो शिवानी जैसे, नानी तो ना हो। ये चीज आपको कैसा लगा, और ये वीडियो कैसा लगा, ये सब आप सब कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पर लाइक भी कीजिए, हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपको मोटिवेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे आपको भी स्टार बनना है तो मेरा जितने भी लॉन्ग वीडियो हैं वो सब जाके देखिए, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा, और आप भी स्टार बन सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।